Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about Denk and Duke. हम डिस्कस कर रहे हैं NTA UGC NET Paper Education को, जिसमें हमने ऑलरेडी जो दो इम्पोर्टेंट आपके डेवलपर्स हैं जैसे कि आपके ली एस शुलमन और जर्गन हाइबरमास, इनको डिस्कस कर लिया है. जो थर्ड इम्पॉर्टेंट हमारे डेवलपर हैं जिन्होंने टीचर एजुकेशन में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, दैट इज डेंक एंड ड्यूक, इनको डिस्कस करेंगे हम. देखिए इनमें कीवर्ड्स पे हम काम करेंगे. अभी बुकिश कंटेंट में डिस्कस करूंगी आपसे और इसका PDF मैं आपसे शेयर करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे. जो भी इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, जहां आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी मिलते हैं. हम एजुकेशन पेपर को प्रिपेयर कर रहे हैं, NTA UGC नेट पेपर एजुकेशन को, और यूनिट वाइज आपका सिलेबस चल रहा है. तो डेंक एंड ड्यूक का जो मेन फोकस था वो था लिबरल स्टडीज के ऊपर. देखिए कुछ तीन डेवलपर्स हमें दिए गए हैं टीचर एजुकेशन पार्ट में, जिन्होंने टीचर एजुकेशन की स्ट्रैटेजीज, टीचर एजुकेशन की इम्पोर्टेंस और क्या क्या स्किल्स डेवलपमेंट, क्योंकि जितना आपका टीचर अच्छे से एजुकेट होगा, उसकी स्किल डेवलपमेंट होगी, उतना ही वो स्टूडेंट में इम्पार्ट कर पाएंगे. तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा था, इसलिए आपका सिलेबस का पार्ट भी है वो. ठीक है, और क्वेश्चन भी आते हैं. तो डेंक एंड ड्यूक इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर ये कंटेंट आप स्टडी करेंगे. देखिए डेंक एंड ड्यूक जो है आपके डेंक थे वो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में. ठीक है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में. और एलन ड्यूक जो थे वो चाइनीज अमेरिकन थे बाय बर्थ, और इनका मेन फोकस था लिबरल स्टडीज के ऊपर. एट प्रेजेंट जिस लिबरल स्टडीज की हम बात करते हैं, जहाँ पे हम क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं, क्रिटिकल पैडागॉजी वर्ड तो वैसे पॉलो फेरे का है, क्रिटिकल थिंकिंग की बात करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं, इंडिपेंडेंट लर्निंग की बात करते हैं, वो सब कंसेप्ट दिए गए कि टीचर में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, कितना उन्हें कंटेंट नॉलेज होनी चाहिए, और जो भी सिनेरियो है वो लिबरल स्टडीज के ऊपर है, ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन नहीं है. और टीचर का इम्पोर्टेंस बताई गई है, उसकी मेन फोकस को समझाया गया है. ठीक है, कुछ कंसेप्ट हैं आपको की वर्ड से याद रखना है कि कौन सा कंसेप्ट किसने दिया था. जैसे ली एस शुलमन की हमने क्लास ली थी, उन्होंने क्या दिया था, PCK, पैडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज. पैडागॉजिकल हाउ एंड कंटेंट व्हाट, हाउ एंड व्हाट, हाउ टू टीच एंड व्हाट टू टीच, इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया था ली एस शुलमन ने. जर्गन हाइबरमास का जो हमने कंसेप्ट स्टडी किया था, ठीक है, उन्होंने आपका जो नॉलेज की बात की थी. तीन डेवलपर्स हैं आपके, जर्गन हाइबरमास, ठीक है, जैसे ली एस शुलमन ने आपकी PCK की बात की थी, जर्गन हाइबरमास ने भी आपकी जो अटमोस्ट नॉलेज है, दैट जो क्रिटिकल पैडागॉजी, आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं किस कंसेप्ट को, उन कंसेप्ट की बात की. पॉलो फ्रेरे ने भी इस पर्टिकुलर वर्ड को यूज किया. तो हमने की वर्ड से चलना है. अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपका डेंक एंड ड्यूक. ठीक है, बहुत ही आराम से डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए. कुछ कंसेप्ट हैं और क्लास के बाद आपकी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अच्छे से. PDF आप देख सकते हैं अपनी नॉलेज को अच्छा करने के लिए. और डेंक एंड ड्यूक दो पर्सन हैं. डेंक एंड ड्यूक जो है, जो डेंक है दैट मीन्स प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, और ल्यूक जो थे एलन ल्यूक बहुत चाइनीज अमेरिकन बाय बर्थ. और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, अगर इन दोनों के लिए कीवर्ड में बात करूं, दैट इज लिबरल स्टडीज. इन्होंने बात की लिबरल. लिबरल क्या होता है, जहाँ नियम नहीं होते, रूल्स नहीं होते, लिबरल या आप थोड़े से लिबरल हैं आपका एटीट्यूड, उस स्टडीज की बात की. इन्होंने कहा ऐसी नॉलेज इम्पार्ट कर दी है टीचर को अपने स्टूडेंट्स पे कि उनकी क्रिएटिविटी डेवलप्ड हो, उनकी थिंकिंग डेवलप्ड हो, सेल्फ लर्निंग की तरफ जाएं, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बने, उनकी बात की, जो एट प्रेजेंट हम अपने बच्चों में चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये नॉलेज मिले. ठीक है, आप बुकिश कंटेंट डिस्कस करते हैं. हिज मेन फोकस ऑन लिबरल स्टडीज. देन डेंक एंड एलन ड्यूक, डेंक जो थी प्रोफेसर थी यूनिवर्सिटी और कॉलेज लंदन में, एलन ड्यूक वॉज अ चाइनीज अमेरिकन बाय बर्थ. He has given 4 resource models. कितने resource models दिए, 4. ठीक है, with Peter Freiberg. Model says that in order to be fully literate citizen, a person need, अगर कह रहे हैं कि आप fully literate, literate मतलब आपका educate हो ना, तो आपको 4 aspect पता होने चाहिए. The first one we have the coding competence. Coding means code करना, उस code को decode करना भी आना चाहिए. For example, अगर मैं 1 को A बोल रही हूँ और 2 को B बोल रही हूँ, तो मुझे कुछ आइडिया हो जाएगा पैटर्न फॉलो करके कि 3 इज सी एंड 4 इज फॉर डी. दैट मीन्स आपको कोडिंग और डिकोडिंग की लॉजिकल स्किल्स आनी चाहिए. तो कोडिंग कॉम्पिटेंस द एबिलिटी टू डिकोड
a text, anything, a phonics, text, kuch bhi. So coding competence. Then we have semantic competence, ability to make meaning in comprehension. Comprehension मतलब complete, एक comprehensive way में समझ आए. जैसे कि हमने ली एस शुनेमन को समझा पीसी के, बहुत कुछ और भी डिस्कस किया था बट कीवर्ड याद रख लिया, एक comprehensive way में समझा, pedagogical content knowledge. That means एक comprehensive study हो गई. इनकी बात करें तो liberal studies. तो सिमेंटिक कॉम्पिटेंस जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन की बात होगी, अभी लर्न भी हो जाएगा आपको साथ साथ. देन प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस, प्रैग्मेटिक प्रैग्मेटिज्म हमेशा वर्ड जो है प्रैक्टिस को बताता है, ठीक है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को बताता है. एवरी डे फंक्शनल लिटरेसी दैट इज राइटिंग अ चेक, रीडिंग द न्यूज़पेपर, मतलब आप एजुकेट हैं. इफ़ यू आर एजुकेटेड तो आपको पता हो बेसिक फंक्शंस आते हो, यू नो हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन लेटर, ठीक है, हाउ टू राइट अ चेक, आपको चेक लिखना आता हो, रीडिंग द न्यूज़पेपर, ये बेसिक चीज़ें आपको आती हो इफ़ यू आर एजुकेटेड. मतलब आपकी एजुकेशन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे, आपकी एजुकेशन ऐसे ना हो जो आपके काम ना आए. प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस. द फोर्थ वी हैव द क्रिटिकल कॉम्पिटेंस. क्रिटिकल वर्ड इज द अटमोस्ट वर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज हियर. क्रिटिकल पैडागॉजी, जो जन हमें मास की थी, ठीक है, कि आपको बिल्कुल क्रिटिकल पैडागॉजी की तरफ लेके जा रहे हैं, अटमोस्ट नॉलेज. देन क्रिटिकल कॉम्पिटेंस, उन्होंने नॉलेज बेस की बात की थी. यहाँ पे क्रिटिकल कॉम्पिटेंस है द एबिलिटी टू क्रिटिकली सिलेक्ट एंड एनालाइज टेक्स्ट, डिटरमाइनिंग रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज, कि आप इतने कैपेबल हो कि आपको पता हो कि वॉट इज द रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज. आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है. तो कोडिंग कॉम्पिटेंस, एबिलिटी टू रिकॉर्ड, वो कीवर्ड इज एबिलिटी टू रिकॉर्ड. सिमेंटिक इज कॉम्प्रिहेंशन. अब एक बार आप लेक्चर देखेंगे, दूसरी बार देखेंगे, रिविजन क्लासेस भी लूंगी मैं, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, तो आप क्वेश्चन देखेंगे ईजिली मार्क कर पाएंगे आंसर, ठीक है. प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस दैट मीन्स योर प्रैक्टिकल नॉलेज. देन क्रिटिकल कॉम्पिटेंस योर रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज, योर क्रिटिकल थिंकिंग. तो कोडिंग, सिमेंटिक, प्रैग्मेटिक एंड क्रिटिकल कॉम्पिटेंस, दीज आर दी फोर रिसोर्स मॉडल इफ यू आर एजुकेटेड. किसने दिया? डेंकल न्यूट ने दिया. अब इन्होंने क्या बात करी? ये प्रपोज थी कंसेप्शन ऑफ नॉलेज, नॉलेज कंसेप्शन के ऊपर काम किया था इन्होंने. तो जो थ्री मेन है और फोर्थ वन इज द लिबरल स्टडीज, जो आपकी ओवरऑल बात करता है. द फर्स्ट वन इज डिसिप्लिन कंसेप्शन ऑफ नॉलेज, ठीक है. डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिनरी क्या होता है कि दैट मीन्स आपको अकेडमिक्स और आप जितने भी डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, सभी चीज़ों में जो भी टीचर है आपका, उनको अच्छी नॉलेज है. अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स एंड डायमेंशंस ऑफ अकेडमिक डिसिप्लिन दे टीच, ठीक है. तो डिसिप्लिनरी कंसेप्शन ऑफ नॉलेज की पर्टिकुलर डिसिप्लिन के बारे में, पर्टिकुलर डिसिप्लिन या कंटेंट के बारे में यू हैव अ नॉलेज. देन प्रैक्टिकल कंसेप्शन, प्रोसीजर नॉलेज फ्रॉम द विजडम ऑफ प्रैक्टिस. नाउ क्या है प्रैक्टिस? प्रैक्टिकल, कि आपको पता हो कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है. टीचर की बात हो रही है यहाँ पे. एक्सपेरिमेंटल, जो जॉन डेवे का भी दिया हुआ वर्ड है, उन्होंने बताया कि नॉलेज इज लोकेटेड एंड बेस्ड ऑन योर ह्यूमन एक्सपीरियंस. हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, हम वो नॉलेज हमारे हमेशा माइंड में रहती है जो हमने अपने एक्सपीरियंस से लिया. तो तीन टाइप की बेसिक नॉलेज उन्होंने बताई, डिसिप्लिनरी और अकेडमिक्स, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, एक्सपेरिमेंटल गिवन बाय जॉन डेवे ऑल्सो, इन्होंने बताया बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस. नेक्स्ट वी हैव लिबरल स्टडीज, दैट मीन्स योर क्रिटिकल थिंकिंग. द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज इज हियर इज क्रिटिकल थिंकिंग, क्लियर. तो इन्होंने चार आपके रिसोर्स मॉडल दिए, कोडिंग, सिमेंटिक, देन लास्ट थर्ड वी हैव द प्रैग्मेटिक एंड क्रिटिकल. तो कोडिंग में क्या था? टू डिकोड. देन वी हैव सिमेंटिक कॉम्प्रिहेंशन, प्रैग्मेटिक योर प्रैक्टिकल एटीट्यूड, एंड क्रिटिकल योर क्रिटिकल थिंकिंग. फिर इन्होंने बताया कि नॉलेज को, देखो यहाँ पे नॉलेज लिखा हुआ है ना, तो नॉलेज को इन्होंने तीन पार्ट्स में मेन डिवाइड किया, डिसिप्लिनरी, प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल. एंड द फोर्थ जो कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है दैट मीन्स ऑल फोकस ऑन लिबरल स्टडीज. लिबरल स्टडीज में आप क्या सीखते हैं? लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, वैल्यूज एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स योर लाइफ, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स इन्होंने कुछ पांच एस्पेक्ट भी बताए कि अगर आप टीचर हैं तो आप में ये चीज़ें तो होनी चाहिए, डिसिप्लिनरी भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल भी होना चाहिए, इसके साथ साथ लॉजिकल, दैट मीन्स आपको कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस को लॉजिकली बताना आना चाहिए. एपिस्टेमोलॉजी दैट मीन्स योर सोर्स ऑफ नॉलेज. एपिस्टेमोलॉजी का लिटरल मीनिंग क्या है? योर सोर्स ऑफ नॉलेज, कि आपका नॉलेज का सोर्स क्या है, आपको पता हो, ठीक है. देन साइकोलॉजिकल दैट मीन्स आप लर्नर की साइकोलॉजी को समझें तभी आप उसे नॉलेज दे पाएंगे, उसका इंटरेस्ट, उसकी प्रायर नॉलेज. पैडागॉजिकल हमेशा होती है स्किल्स, ठीक है. दैट मीन रिप्रेजेंटेशन, द फॉर्मेशन ऑफ कंसेप्ट, आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास बुक्स होंगी, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन टीचर की स्ट्रैटेजी
टू टीच, जैसे जो मैथड यूज करते हैं, जो स्ट्रैटेजी दे यूज, वो इम्पैक्ट डालती है बच्चों के दिमाग पे, वो वहां से उनको लर्निंग आती है। नहीं तो बुक तो सबके पास है, गूगल की हेल्प भी सब ले सकते हैं, लेकिन आपको नॉलेज देने वाला जो सोर्स है उसकी पैडागॉजिकल स्किल्स क्या है, जितनी अच्छी टीचर की पैडागॉजिकल स्किल्स होंगी उतना अच्छा स्टूडेंट को समझ आएगा। और टीचर की पैडागॉजिकल स्किल्स भी तभी अच्छी होंगी जब उसे कंटेंट नॉलेज होगी। जब आपको कंटेंट नॉलेज अच्छी है और आपको पता है कि हाउ टू गिव दैट पर्टिकुलर नॉलेज टू अ पर्सन, तभी आपकी स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, कुछ लोगों को बहुत नॉलेज होती है लेकिन उनको नॉलेज देना नहीं आता, या उनकी स्किल्स ऐसे नहीं होती कि सामने वाले को वो समझा पाए, अपनी जो वर्ड्स हैं, अपनी जो स्किल्स हैं उसे वो एक्सप्लेन कर पाए, तो वहाँ पे वो लैकिंग आ जाती है। ठीक है, तो हर कोई नॉलेज जिसके पास है वो टीचर नहीं बन सकते, टीचिंग अलग ही चीज़ है, एक आर्ट भी है। सोशियो कल्चरल, दैट मीन सोसाइटी या टेक्नोलॉजी या कल्चरल एनवायरनमेंट, तो इन तीन के अलावा लॉजिकल, एपिस्टेमोलॉजी, साइकोलॉजिकल, पैडागॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल, लॉजिकल, एपिस्टेमोलॉजी, साइकोलॉजिकल, पैडागॉजिकल एंड सोशियोलॉजी। ठीक है, अ स्कूल सब्जेक्ट इज एन एरिया ऑफ लर्निंग, ये आपका एक क्वेश्चन का पार्ट है, ये स्टेटमेंट गिवन थी और आपको बताना था कि किसने दी है, तो डंकन ड्यूक की स्टेटमेंट है ये। अ स्कूल सब्जेक्ट इज एन एरिया ऑफ लर्निंग विद इन द स्कूल करिकुलम दैट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इंस्टीट्यूशनल डिफाइंड फील्ड ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिस फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। इन्होंने बोला कि स्कूल में हम सब कुछ कर लेते हैं और टीचिंग एंड लर्निंग पार्ट को आप डेवलप कर पाते हैं, इंस्टीट्यूशन की डेवलप कर पाते हैं आप थ्रू टीचिंग एंड लर्निंग। एक बार रिविजन करते हैं, तो रिविजन में हमने क्या किया, डंकन ड्यूक टीचर एजुकेशन में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, कि मेन फोकस किस पे था, लिबरल स्टडीज के ऊपर। देन दोनों बिलोंग कहाँ से करते थे, वो स्टडी किया, आपके रिसोर्स मॉडल थे कोडिंग, सिमेंटिक, प्रैग्मेटिक एंड क्रिटिकल कॉम्पिटेंस। कोडिंग योर डिकोडिंग, सिमेंटिंग कॉम्प्रीहेंशन, प्रैग्मेटिक इज योर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, क्रिटिकल योर क्रिटिकल थिंकिंग। फिर उन्होंने तीन प्रपोज की, नॉलेज, योर डिसिप्लिन भी, प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंस। अट अटमोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज इज योर इज लिबरल स्टडीज। ठीक है, देन अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव फाइव टाइप्स ऑफ नॉलेज, लॉजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, पैडागॉजिकल एंड यू हैव सोशियोलॉजिकल। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ऑल यूनिट 10 और यूनिट 7 साथ साथ डिस्कस हो रही है, टीचर एजुकेशन की ये भी क्लासेस साथ साथ चल रही हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वीडियोस को देखते हैं, अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो, और जो भी नए हैं चैनल के साथ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।